गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता। अब इस पानी को हम घर के अंदर भर सकते हैं या हमारे कोई बीवी बच्चों को किसी को पानी पिला सकते हैं? इतनी सड़ी गर्मी में बंदा दो बार तीन बार नहाने की सोचता है या एक बार नहाने को सोचने को पड़ रहा है? शौचालय जाएंगे चाहे कहीं जाएंगे किसी रिश्तेदार के घर पे, और क्या करें, पानी नहीं आएगा तो। कौन सी नई बात बोल दी तुम्हारे आ रहा, तुमने बोल दिया हमारे नाम रो रहे। बटन के पास ना, मोटर के बटन के पास बैठा रहना पड़ता है, टिक 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 वो गेम चलती है ना, बस वो चलाए रखनी। ये बाल्टी के अंदर मैंने पानी भरा था, देखो बाल्टी भी खाली होगी, देखो बोली। कितनी बार जाना पड़ता दिन में ऐसे पानी लेने? 10 बार जाना पड़ता है। पानी मेरे ख्याल से कोई अपने घर में फेंके भी ना, इतना गंदा पानी आ रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत बीमार भी हो जाता है इससे, और गंदा पानी आता है, सबको नहीं आ रहा पानी, किसी के नहीं आ रहा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेस्तरार में। राजधानी में इस वक्त जल संकट मंडराया हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन आज हम इसको लेकर राजनीति से जुड़ी कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पानी एक ऐसी बुनियादी सुविधा है जो हर इंसान को जीने के लिए चाहिए। अब ऐसे में मैं दिल्ली के करोलबाग के अंतर्गत आने वाले बापा नगर आर्य समाज रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे तमाम परिवार आप देख रहे हैं, इस इलाके में रहने वाले लोग आप देख रहे हैं, ये लोग महीनों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ना ही इनके इलाके में पीने का पानी आता है, इसके अलावा ना ही इस्तेमाल करने के लिए कोई पानी आता है, और गर्मियों के मौसम में इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कैसा पानी आता है ये भी हमारे सामने आया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लाइव हमने रिकॉर्ड किया है कि कितना ज़्यादा गंदा पानी इन लोगों के इलाके में आता है, जिसे पीना तो बहुत दूर की बात है, इंसान उस पानी को अपने घर में भी इस्तेमाल करने से कतराता हुआ नज़र आएगा। तमाम महिलाएँ मेरे साथ मौजूद है, बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, कुछ और लोग भी हैं, इन सबसे बातचीत करती हूँ, और क्या कुछ इनकी समस्या है, कब से है, क्या इसका कोई समाधान निकाला जाता है या फिर नहीं, ये सारी बातें इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। बताइए क्या दिक्कत है? पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत बीमार भी हो जाते हैं इससे, और गंदा पानी आता है, कौन क्या आता ही नहीं, और आता है तो गंदा आता है, गंदा आता है बिल्कुल, वह भी झटका मार के एकदम बिल्कुल सीवर का रुका है, पानी आता है, आपको दिखाया है बिल्कुल पानी आता ही नहीं, पानी आ रहा है जो देखो, पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी, और जो आता है तो सीवर का पानी इससे नहीं आ रहा है, दो महीने हो गए पानी तो आए नहीं आ रहा, कौन सा एरिया यहाँ भी नहीं आ रहा, एक एरिया कौन सा बगरा जगह, कौन सी एरिया, कौन सा बापा नगर आर्य समाज रोड, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा पानी, किसी के नहीं आ रहा, किसी के भी नहीं आ रहा। मैडम पानी पानी आता तो आप लोगों को यहाँ थोड़ी ना बुलाते हैं हम लोग, अगर हमारे को परेशानी नहीं होती तो हम ना तो विधायक को बोलते, विधायक ने सुना जल, यहाँ की समस्या वैसे ही हल हो जाएगी, वहाँ से पानी छोड़ा जाता ही नहीं है बिल्कुल भी, सुनवाई नहीं है, ये आधा रोड इधर पानी है, आधे रोड पे इधर पानी है, मंदिर की तरफ दो गली छोड़ के इधर पानी, अच्छा इधर पानी है, ये मेरा छोटा सा एरिया जिसके अंदर पानी की बड़ी परेशानी, आसपास कोई दिक्कत, आसपास में कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे यही एरिया चिड़ा हुआ है, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, अभी दो महीने से पानी नहीं आ रहा, जैसे कि लोग क्या करें, बाहर से भर के लाते हैं, शौचालय नहीं आता ढंग, खाली हम शौचालय में नहा धो रहे हैं, कहो तो शौचालय वाले की शक्ल दिखा के हमारी बोल देगा ये अंकल जी रोज आ रहे कि नहीं आ रहे, जा रहे कपड़े लेके नहाने के लिए शौचालय जाएंगे चाहे कहीं जाएंगे किसी रिश्तेदार के घर पे, और क्या करें, पानी नहीं आएगा तो कपड़े देख लो। तो क्या ये समस्या अभी हो रही है, आज से पहले भी ऐसा होता है? हर साल होती है समस्या, पानी का हर साल होती है पानी की समस्या, गर्मी में विधायक के यहाँ पे अभी भी तीन टाइम पानी आ रहा होगा, अभी दिन में 12 बजे पानी आएगा, रात को फिर 10 बजे पानी आएगा, रात को फिर 12 बजे आएगा, ये पानी सिर्फ वहीं रहता है उसी के एरिया के अंदर, वहाँ से पानी इधर आता ही नहीं है बिल्कुल, आसपास ही रहते हैं विधायक, विधायक इसी रोड पे रहता है, यहीं की पैदाइश उनकी, उनकी यहीं की पैदाइश है, विशेष रूप से की वो यहीं लेने के लिए आ गया, वोट दे दो, वोट देने के बाद ही पलट दिया, पानी बंद कर दिया। मैम देखिए पानी इतना गंदा आता है, इतना गंदा आता है, हम फिल्टर लगा रखा है उसके बाद पीने के बाद, हमारे यहाँ पे एरिया में हर बच्चा बीमार हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है किसी को, कभी टाइफाइड हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, डेली का ही बीमार है, पानी आता ही नहीं, 4 साल तो मुझे हो गए देखते देखते, इधर 4 महीने के लिए पानी आता ही नहीं, बिल्कुल पानी नहीं आता, इतनी स्थिति खराब, सब परेशानी उठाते उठाते, ये देखो पैर का भी ऑपरेशन हो गए, पानी ढो ढो के गनासानी, इतनी परेशानी है बापा नगर में गनासानी, डेली डेली विधायक के घर भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 तारीख के बाद देखेंगे, 4 तारीख के बाद देखेंगे, कुछ नहीं हो रहा, हम तो परेशान हो चुके हैं, डेली देखो कपड़े लेके हम नहाने के लिए कहीं जा रहे हैं, शौचालय में जा रहे हैं नहाने के लिए, क्या करें इतनी गर्मी, पानी 15 नंबर गली है ना, उसके अंदर नीचे नीचे पानी लाने टूटी पड़ी है, वो लेने को सही नहीं कराते, और वो पानी ऊपर लगाते हैं, यही से बात वगैरह की है, सप्लाई में दिक्कत है, क्या दिक्कत, जय भी कल आया था वो कर रहे हैं आगे से सप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ तो है, लाइने टूटी पड़ी मिले रोड पे, अभी कारीगर लग रहे हैं वहाँ पे, और वो लाइन डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, टूटी लाइनों को नहीं कर रहे,
लेकिन यहाँ तक प्रेशर ही नहीं आ रहा। पानी छोड़ते कम छोड़ते हैं, पानी छोड़ेंगे कम छोड़ेंगे। जो जो शुरू का एक झटका लगता है ना प्रेशर, वो मार तो वो भी ऐसा गंदा पानी आता। मैं पिछली गली में रहता इसी मकान के पीछे, आप यकीन नहीं मानोगे एक महीने से हम इतने परेशान हो गए हैं। ये औरतों का देखो हाल, ये लेडीजों को पानी भरने के लायक है क्या? नाना जा रही है, ये देख बेटा कौन सा हाल है, अः बेटी के घर जा रही है, इतनी चढ़ा उतरा नहीं जाता। अरे हमारे जैसी गुजरे का पानी के लिए बताओ क्या कर सकते हैं, गंदा ही गंदा पानी आता, गंदा पानी आता। उसमें बच्चे बीमार होंगे या सही होंगे ये बताओ। जाते हैं विधायक के पास तो वो क्या बोलते हैं? हो सकता है करवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं, पानी पिएंगे, चार तारीख के बाद करवाएंगे, चार तारीख के बाद करेंगे, कोई लाइन डलवाएंगे। मैडम हर साल जाते हैं, हर साल यही स्थिति होती है, कोई कुछ नहीं होता है। लाइन डलेगी आपको पानी, लेकिन हर साल होगी यही। विधायक रात में 2:30 बजे गया लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। विधायक कितनी वैल्यू नहीं है, ड्राइवर है ना, विधायक की बिना बात माने टैंकर को वापस लेके चले गया, ऊपर नहीं लेके आया। यहाँ के बच्चे सारे नीचे गए थे टैंकर को लाने के लिए, लेकिन विधायक की बात नहीं सुनी, वो टैंकर वापस लेके चले गया। मैडम अभी मानसून आ जाएगा तो हथनी कुंड बैराल से पानी इतना छोड़ दिया जाएगा कि दिल्ली डूब गई, दिल्ली डूब गई है। और अब जब पानी की जरूरत है उस वक्त पे ये लोग पानी छोड़ते नहीं है, जब पानी की इस वक्त सख्त जरूरत है, गर्मी का पारा इतना हाई चल रहा है इस वक्त पे कि लोग बाग मर रहे हैं गर्मी से, परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, त्राई त्राई मची हुई है इस वक्त। ये कंप्लेंट 7-8 कंप्लेंट जय ने ले ली, उसकी रिसीविंग नहीं करी, ये देखो ये करके दे रहा है। ये देखिए सर, ये हर साल जाती है हमारी कंप्लेंट, लेके रख लेते हैं। हाँ जी अप्रैल में आना, मार्च में आना, कल आना, परसों आना, जय आएगा। 2 महीने से पीने का पानी तक नहीं आता है, परेशानी। हम 40 रुपये रोज का पानी मैं घर लेके जा रहा हूँ यहीं से खरीद खरीद के, और अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब ज़्यादा पानी। वहाँ पर भी प्राइस बढ़ा दिए गए पानी के, जो बोतल देखो मैडम पहले 20 रुपये की बोतल दी, 25 की कर दी, जब ज़्यादा परेशानी आएगी तो 30 की कर देंगे, 35 की कर देंगे। अब मजबूर है, पानी तो पीना ही है, कुछ मिले ना मिले पानी तो चाहिए चाहिए। अब ये मैं कहता हूँ ये गुजरों को औरतें कैसे पानी भरेगी, कैसे क्या होगा, बच्चे पानी नहीं आपके पास तो कैसे करोगे हमारा खाना वाना, वापस ही चले गए बच्चों को लेके गाना चाहिए, बताओ रह सकता है ना, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं पानी, और कहाँ कहाँ से भर भर के लाते हैं, कहीं शौचालय जाते हैं नहाने धोने, बच्चों को भी ले लेके चले करना पड़ रहा है सब लोग। हाँ सबको परेशानी है पानी की, नई जनरेशन से पूछो पानी भर भर के लेके आ रहे हैं, जो नई जनरेशन से पूछो जो पानी भर भर के लेके आ रहे हैं। 20,000 लीटर पानी का वादा करा था, वो कहाँ गया हमें ये समझ नहीं आ रहा, वादे रह गए। आना है लोगों को जाके पानी भर के लेके आना पड़ता है, पानी भर के लेके आना पड़ता है। और उसके बाद हमने जब उनको पानी के लिए बोला तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि 4 तारीख के बाद देखेंगे, हमने उनको ये बोला रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जब रिजल्ट आ जाएगा तो हमने उसको ये रिजल्ट आने का इनसे क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। हमारे जो एमएलए वो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, हर साल हम उनको पेपर पे लिख के कमेंट वो देखे आते हैं कम्प्लेन, उसके बाद कुछ नहीं होता, कॉल करके कम्प्लेन करो, सीधा बोलते हैं हमें एड्रेस दो। अबे भाई तुम एड्रेस और फोन नंबर से करोगे क्या, एरिया का बात करते हैं ना हम, दयालु हलवाई से लेके यहाँ तक अगर हमारे पानी नहीं आ रहा तो तुम आके एक बार देखोगे तो सही, काम तो कराओगे नहीं, पीछे रोडों पे जाके काम कराते हैं। और सीधा उनके आप अगर पोस्ट भी चेक करोगे ना, अगर हम 1-2 कमेंट उनके नेगेटिव कर देते हैं वो कमेंट बंद कर देते हैं, कमेंट बंद कर देते हैं, उनको कोई लेने देना नहीं है। सीधा अगर फोन करो हम टैंकर भेज देंगे। अब आप मुझे ये बताओ अगर शिव मंदिर पे टैंकर आएगा तो शिव मंदिर से यहाँ तक कैसे भर के लेकर आएंगे, उठा उठा के लेकर आते हैं हम, लेकर ही नहीं आते मैम, कैसे पॉसिबल है आप मुझे ये बताओ ना। 2 बाल्टी में अगर एक घर में 4 बंदे रह रहे हैं तो 2 बाल्टी में कैसे काम कर लेंगे, इतनी सड़ी गर्मी में बंदा 2-3 बार नहाने की सोचता है, यहाँ 1 बार नहाने को सोचने को पड़ रहा है। बिस्लेरी की बोतल खरीद खरीद के लाने के लिए 1 बाल्टी में कितना गुजारा हो जाएगा, बर्तन धो लेंगे, नहा लेंगे, खाना बना लेंगे, क्या कर लेंगे, पर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम उनको वहाँ जाके बोलते हैं वो बोलते हैं जाओ बीजेपी का वोट दो, उनका स्वागत करो, उनके लिए जो करना है करो, हमारे पास मत आओ, हम आपसे 4 जून के बाद बात करेंगे, तो ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। कहाँ से लाते हैं सबके सब, ये पानी भरते कहाँ से सारे के सारे, पानी नहीं आ रहा। अरे शौचालय में जाते हैं गलत, के लिए। हम पता क्या हर चीज को राजनीति बनाते हैं, हम ये ना पानी आ रहा आप ये बात, अरे मेरे भी नहीं आ रहा पानी, आप बोल रहे हैं गर्मियों यही रहते हैं, यही रहता हूँ मैं, दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन उसका राजनीतिक रूप नहीं होना चाहिए, आप कहाँ से ला रहे हो, उसका रूप राजनीतिक नहीं होना चाहिए, उसका ना समाधान ढूंढना चाहिए, समाधान पानी सबके आता होगा, इतना तो आ रहा गुजारा कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है, जब हमारे ठंड में पानी आता है। कौन सी नई बात बोलती तुम्हारे आ रहा, तुमने बोल दिया, हमारे नाम रो रहे हैं,
हमें परेशानी है, हम दलाली नहीं खाते, दलाली नहीं खाते। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है एक्चुअली में, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कमेटी सोसाइटी क्या हो रहा है। जब गार का दिया था ये दलाल का नेता था, ये कांग्रेस का था, ये इतना मरगा दलाल इंसान है ये। हाँ आज इसका इतना बुरा हाल है, इसका भी ये इतना नेता करिए, इतना बुरा हाल है कि पाए पैसे को मजबूर हो रहा है। मंदिर तक के पैसे खाए इसने, मंदिर तक के पैसे खाए इसने। ये लोग ऐसे लोग हैं जो विधायक जी के द्वारा छोड़े गए हैं ताकि लोगों की आवाज पता ना पहुंच सके। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जो भी सरकार है, जो भी व्यक्ति है, जो भी कमेटी है, कि आप लोग प्लीज हमारा हाथ जोड़ के आप लोग आग्रह हैं कि समस्या का समाधान कीजिए। हम लोग बड़े परेशान हो चुके हैं, हमारे बच्चों की लाइफ है ना बड़ी, मैं बोलता हूँ क्या बोले, हम लोग काम करेंगे ना, पानी भरेंगे। मैं पानी का काम करता हूँ, मैं पानी खरीद के लेके आता हूँ, बिस्लेरी का पानी। या मेरे एरिया के अंदर ना सारे लोग जितने भी ना उसी पानी से काम करते हैं, पानी खरीद के लेके जाते हैं। पहले कांग्रेस में था, वह दलाली करी, फिर उससे बुढ़ा, फिर बीजेपी में घुसाई। ये हर जगह की दलाली खाते हैं ऐसे लोग, बोल के चले। पैसे नहीं छोड़े इन्होंने, जिसको भी पैसा मिलेगा वो, उसको पैसे मिले तो वो उसको ही बोलेगा। जय जनता दी नहीं, ये पानी आप भर लेंगे क्या? तो ये देखो ना अपना भैया पानी भर लेगा, हमारे रोड पर बच्चे पानी लाख लगे अंदर। बेटा देख लिया ना, अच्छा थोड़ी बच्चे भी बीमार हो जाते। किसके बच्चे बात है, विधायक से ये पूछो, अगर हम सुबह 4-4 बजे तक पानी के लिए जाएंगे तो सब यहाँ पे ड्यूटी जाने वाले हैं, वो कब ड्यूटी जाएंगे? पानी की टाइमिंग क्या, कब आता है? रात को 12 बजे कुछ पता नहीं है, 1 बजे भी आ जाएगा, 1.5 बजे भी आ जाएगा, वो भी 5 मिनट के लिए। बटन के पास ना, मोटर के बटन के पास बैठा रहना पड़ता है, टिक 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 टिक, वो गेम चलती है ना, बस वो चलाए रखनी पड़ती है। डेढ़ लाख रुपए खा के बैठा मेरे कमेटी के, पृथ्वी बार रोलिया, पृथ्वी बार रोलिया 1.5 लाख रुपए। हाँ चीज के कमेटी के, ये लोग पैसे मिल जाते इन लोगों को, फिर ये गुमराह करते पब्लिक को आके। टोटल हमारा आप सब लोगों से निवेदन यही है कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी इसे बिलोंग करते हैं, हमारे लिए प्लीज हमारी समस्या का समाधान कीजिए प्लीज। चाहे वो आम आदमी पार्टी से है, चाहे बीजेपी से है, चाहे कांग्रेस से है, पार्टी को बदनाम नहीं करेंगे हम, किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर रहे हम। कहते कोई भी विधायक हमारा हमारी सोल्यूशन निकाले और हमारे को समाधान दे, हम लोग बड़े परेशान हैं। हमने आज तक ना तो बीजेपी का नाम लिया, ना कांग्रेस का लिया इसने नहीं करा, या आम आदमी ने हमारे को नहीं करा। हाँ विधायक है, कोई भी विधायक हो, इस वक्त 4 तारीख तक का हम कहाँ तक इंतजार करें? हमारे को 1 महीने से परेशानी आ रही है। हम ये चाहते हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करें हमारी सोल्यूशन। पहले से पानी आता था ठीक से 1 महीने पहले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आता था पहले पानी आता है, बट गर्मी में हर बार हर ईयर हर साल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। ये चार महीने से मान लीजिए हमारे बड़े क्रूशियल होते हैं, ऐसा लगता है घर छोड़ के चले जाए। सर्दी में पानी आता है, इतना नहीं आता, थोड़ा आता है, हम गुजारा कर लेते हैं, बट गर्मी के अंदर तो हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। ये पानी जो आया हुआ, ये पानी ये यहाँ का विधायक पी लेगा क्या बताइए आप? ये नहालेगा इससे? इसको जूम के देखोगे इसमें बदबू कितनी आ रही होगी। राज जी से परेशान होकर हम लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है ये श्रीमान सीओ जी को दी है ताकि हमारी सुनवाई वहाँ पे हो। अभी वो छुट्टी पे गए हैं, आते ही आश्वासन दिया है कि इस पे काम किया जाएगा। ये ऐसे ही पानी आता है? ऐसे ही पानी आता है जी, इस पानी को आते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने विशेष रवि जो हमारे यहाँ के विधायक है करोलबाग के, उनको सबको भेज रखे मैंने वीडियो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना तो इसका कोई जय आता है, ना ही कोई व्यक्ति आता है इनकी तरफ से कोई देखने के लिए। दोपहर में 12 बजे टाइम है आपके यहाँ पानी आने का? हाँ जी, मेरे पास 12 बजे तो पानी सिर्फ ये ऐसे आते हैं, रात को भी आपको देखना होगा तो रात को ही पानी ऐसे ही आएगा। इतना ही गंदा पानी आता है? ये तो किसी भी गंदा पानी आता है, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी आता है। इस पानी को ना तो हम लैट्रिन में फेंक सकते हैं, ना ही हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ये हाल है इस बाल्टी, ये बाल्टी के अंदर मैंने पानी भरा था, देखो बाल्टी भी काली होगी, देखो बोली भी। ये सिर्फ एक बाल्टी भर गया वही गनीमत है, इतना ही पानी आएगा उसके बाद पानी, पानी भी नहीं आता? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। और इस टाइम पानी कम से कम हमारे यहाँ पे आते हैं कम से कम 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए। हम लोग तो हमारे बच्चे वगैरह तो जो हम तो मैं बिस्लेरी का काम करता हूँ पानी का, तो मेरे बच्चे वगैरह को सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, तो इस चक्कर से इनसे नहीं लाते बच्चों को ऑफिस जाने के लिए। यह हाल कर रखा है इन्होंने, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। यहाँ बिल्कुल गंदा पानी आता है, ठीक है, और पानी कभी कभी तो आता ही नहीं कई कई दिन तक, ठीक है, बहुत बुरा हाल है यहाँ। ऐसे ही पानी आता है? बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है मैडम, बिल्कुल गंदा पानी है।
ये पीने योग्य पानी बिल्कुल भी दिखाई है, जिसमें हमने आपको ये लाइव रिकॉर्ड करके दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो पानी आया वो ये पानी था। आप देखिए इतना ज्यादा गंदा पानी है, ये पीने योग्य तो बहुत दूर की बात है, इसे तो कोई वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप यहाँ पर देखिए जो मैं आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है पानी से, पानी आता ही नहीं है, और आता है तो बिल्कुल गंदा सीवर का पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है। आप लाइव देखिए इस वक्त वो पानी दिखा रहा है आपको, वहाँ देखिए मैडम वो पानी कैसा आ रहा है। इस पानी के अंदर शर्म मिलाने की जरूरत नहीं है, कपड़ा अपना भूल जाएंगे। ये हाल कर रखा हमारे यहाँ के विधायक ने, ये देख लिया सर ये पानी आना है, और ये देखो इस पानी को देख लो कैसा है पानी है। अब इस पानी को हम घर के अंदर भर सकते हैं, या हमारे कोई बीवी बच्चों को किसी को पानी पिला सकते हैं। ये देखो ये है यहाँ की विधायक की हालत, पानी वानी के लिए कोई नहीं आता और जनता परेशान होती है कि वोट लेने से पहले बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे और करते कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा तो इंसान क्या करेगा, बिल्कुल आ ही नहीं रहा पानी। हाँ बिल्कुल पानी नहीं है, हर गली में देख लो हर घर में देख लो पानी ऐसा आ रहा है, पानी देखिए ऐसा आ रहा है। कितनी देर आया आप देख रहे हो ना, कितनी देर आया पानी, कितनी देर आया ये पानी भी, केवल मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं आएगा ये पानी, ये 5 से 10-20 मिनट के लिए आएगा। वो पानी में जो रुका हुआ होता है लैंड का पानी, सीवर का जो इकट्ठा हो जाता है वो एकदम से आ जाता है, वो देखिए मैडम। और ये पानी इसके अंदर पूरा पानी आएगा, बिल्कुल सीवर का पानी आएगा, देखना बिना मोटर के पानी है। ये देखो ये हाल है, ये देखते रहना। पानी का तो कोई टाइम ही नहीं है, जो दिल्ली जल बोर्ड का आदमी है वो ड्रिंक करके सोता रहता है, उसको जगाने जाते हैं हम, जूते मार ले चप्पल मार ले तब भी वो सोता रहता है। मैं 6 बजे उठता हूँ दुकान खुलने के लिए, मेरी चाय की दुकान है, मेरे घर के अंदर पानी नहीं है, बताओ क्या करूँगा। रोज का ये हाल है, रोज मैं अगर 4-5 बोतल अगर बिस्लेरी के पानी से नहाऊंगा और ये करूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा, रात को 2-2, 3-3 बजे सोऊंगा तो क्या हाल होगा मेरा। पानी भरने जा रहे कहाँ से, दीदी के घर से, ऐसे ही रोज करना पड़ रहा है। उठा लोगे इतना भारी, यार के साथी भी ऐसे ही जाते पानी लेने के लिए, दिक्कतें आ रही है इसकी वजह से। उठा ले तो इतना हैवी, कितनी बार जाना पड़ता दिन में से पानी लेने के लिए? 10 बार जाना पड़ता है। 10 बार जाना, हाँ। कितनी दूर से लेकर आओगे पानी? नीचे से, शिव मंदिर से यहाँ से, हाँ। फिर भर के दोबारा इतनी ऊपर चढ़ के वो भी पैसे क्या लेंगे? अच्छा ये भी पैसों का पानी है, खरीदना पड़ेगा? हाँ। पानी भर भर के ही हालत होगी, ऑफिस जाने से पहले पानी भरना पड़ता है, नहीं तो बच्चे भैया भूखे प्यासे सब रहने, ना खाना बनेगा ना नहाएंगे धोएंगे ना कुछ कर पाएंगे। अब मैं ही था सिर्फ घर के अंदर लाने वाला, अब पानी ला ला के मेरी डिस्क हिल गई है, ये बेल्ट मैंने पहन रखी है इसके बिना, आज मैं खुद देखो इतने दिन बाद 10-12 दिन बाद उठाऊँ कि बिल्कुल भी हालत नहीं है पूरी तरह। इसी हालत में आपको पानी लेने जाना पड़ता है? साइकिल पर रख के लेके अभी भी लेके आया हूँ जस्ट साइकिल पानी, चाहे मैं, मेरे को डॉक्टर ने बोला 1 या 2 किलो से ज़्यादा वजन आप उठा नहीं सकते, मैं 2-2 लीटर की बोतल लेके आ रहा हूँ कि जितना उठा सकता हूँ उतना लेके आ रहा हूँ। इतना बुरा हाल कर दिया मेरे लड़के की, हाँ मेरा बेटा है ये, इतनी बुरी हालत हो रही है इतनी गर्मी के अंदर, और सरकार से तो क्या, हम तो भगवान तक से भी कह चुके हैं पर कोई मेहरबान नहीं हो रहा हमारे पर, ना भगवान है ना ही हमारे लिए तो कोई है इस टाइम पर। बहुत पानी नहीं टपक रहा इधर, ये गंदा तारा हमारा एक टपक ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं टपक रहा। मैडम पानी का टाइमिंग का कोई टाइम नहीं है यहाँ पे, एक टाइमिंग करवा दीजिए पानी का, कि कम से कम एक टाइम तो हो पानी का, कि भाई इस टाइम पे पानी आ जाएगा। कम से कम 2 साल से ज्यादा हो गई है, यही पास में रहते तो भी नहीं, बिल्कुल पास में रहते हैं। आपके साथ मैं चलने को तैयार हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको विधायक कहाँ रहते हैं। हमारी बस की है, जो टैंकर में घुस के हम पानी निकालेंगे। अच्छा मैडम हमारे घर नलकों में पानी छोड़ो, हमें तो ये चाहिए। देखिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, आप सुन रहे हैं समस्याएं, और फिलहाल जो दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति चल रही है वो सबके सामने है। आम आदमी पार्टी का आरोप है, यानी कि जो दिल्ली के जल मंत्री हैं आतिशी मार लेना, उनका ये आरोप है कि हरियाणा से पानी कम छोड़ा जा रहा है। और अब जो एक और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो कुछ इस तरह से देखने को मिला कि यहाँ पर ये बोला गया एक बीजेपी नेता के द्वारा कि ये लोग जो है सिर्फ इस पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं, और ये पानी का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा है। मैं आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक ये जो मुद्दा
है जा पहुंचा है। फिलहाल जो बीजेपी नेता की तरफ से तर्क दिया गया था वो ये था कि जो दिल्ली की जनता है उन्हें फिलहाल 1049 क्यूसेक पानी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि दिल्ली की जनता की जो ज़रूरतें हैं पानी की वो 1400 क्यूसेक है, जैसा कि उनका आरोप लगाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी इस पर भी राजनीति करती नजर आ रही है कि हरियाणा सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और दिल्ली की जो जल मंत्री आतिशी उनका ये कहना है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी है वो रोका जा रहा है, यानी कि जिसकी वजह से दिल्ली वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पर ये परेशानी देखने को मिल रही है। फिलहाल इसी को लेकर मैं दिल्ली के बापा नगर इलाके में आई थी, आर्य समाज रोड ये पड़ता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम परिवार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनका कहना है कि महीनों से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, खरीद खरीद के ये लोग पानी पीने को मजबूर है। इसके अलावा नहाने के लिए यहाँ पर शौचालय का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ रहा है। आप देखिए तमाम परेशानियाँ इनको आ रही है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि विधायक के पास कई बार ये लोग चले जाते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका घर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल के आता है। इसी तरह से इन लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। आप गर्मी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है कि यहाँ पर 10 मिनट खड़े होके 20 मिनट खड़े होके कुछ भी बोलना तक मुश्किल हो जाता है, और इन लोगों को यहाँ पर ऐसे ही सर्वाइव करना है। जो पानी आया मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये जो पानी आ रहा है आप देखिए पीने की तो बहुत दूर की बात है, ये पानी मेरे ख्याल से कोई अपने घर में फेंके भी ना, इतना गंदा पानी आ रहा है, इतनी गंदी स्मेल इसमें से आ रही है। फिलहाल ये हमने आपको लाइव दिखाया जो पानी आ रहा है, अभी भी यहाँ पे पाइप लगा हुआ और लाइव हम दिखा रहे हैं आपको जिस तरह से पानी आ रहा है। 3 बाल्टियाँ पानी हमने आपको निकाल के दिखाया, ये भी उसी में से है। आप देखिए कितना ज़्यादा गंदा पानी है और इतनी ज़्यादा बदबू इस पानी में से आ रही है। तो ये पीने के लिए इन लोगों के पास पानी आ रहा है, अब आप सोचिए इससे तो कोई नहा भी नहीं सकता, इवन इसे यूज़ भी नहीं किया जा सकता है अपने घरों में। अब हमारी यही गुजारिश है कि जो दिल्ली में समस्याएं चल रही है पानी को लेकर, क्योंकि पानी एक ऐसी बुनियादी सुविधा है जो सबके पास होनी ही चाहिए, कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाएं होती है जो हर इंसान को चाहिए होती है, जिसमें से पानी सबसे ऊपर आता है। अगर पीने का पानी ही सरकारें लोगों को मुहैया नहीं करवा पाएंगी तो आखिर वो किन मुद्दों पर चुनाव में ये वादे करते हैं, वोट मांगने आते हैं कि हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जब वो लोग पानी तक जैसी जो सुविधा है वो लोगों को मुहैया नहीं करवा पा रहे। इसे लेकर आपकी जो भी राय है ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आकर उसे कवर करें और आपकी जो आवाज़ है उसे हम आगे तक उठाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।